लोकसभा में मुख्य सचेतक बनाए जाने के बाद अपने गृह जिला पहुंचे सांसद अनुराग ठाकुर का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। भोटा चौक पर बारिश के बीच कार्यकर्ताओं ने अनुराग ठाकुर का स्वागत ढोल नगाड़ों की थाप पर फूल मालाएं पहनाकर किया। इस अवसर पर पूरे बाजार से पैदल होते हुए अनुराग ठाकुर कार्यकर्ताओं संग गांधी चौक पहुंचे, जहां पर कार्यक्रम में अनुराग ठाकुर ने जनता का आभार जताया। इस अवसर पर जिला बीजेपी अध्यक्ष अनिल ठाकुर, प्रदेश मीडिया प्रवक्ता नरेंद्र अत्री, मंडला अध्यक्ष बलदेव धीमान, जिला मीडिया प्रभारी अंकुश शर्मा, एपीएमसी चेयरमैन अजय शर्मा मौजूद रहे। करें श्री बलदेव धीमान जी, श्री कृष्ण व राधा की मूर्ति देकर अपने प्रिय सांसद का सम्मान करें के हमारे अध्यक्ष राइफल के ऊपर कांग्रेस द्वारा किए जा रहे प्रदर्शनों पर अनुराग ठाकुर ने कहा कि राइफल मामले पर कांग्रेसियों की पोल खुली है, जिससे कांग्रेसी बौखलाए हुए हैं। उन्होंने कहा कि जो कांग्रेस 10 सालों तक निर्णय नहीं ले पाई है और मोदी सरकार ने फाइजल जेट खरीदे हैं अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी को भी आड़े हाथों लेते हुए कहा कि अगर राहुल गांधी को देश हित की चिंता होती तो वह ऐसी बेतुकी बातें और प्रदर्शन नहीं करते। प्रश्न किया अभी 2 दिन पहले, क्या कहेंगे? रफाल पे कांग्रेस की पोल खुली है। जिस तरह से दो देशों के बीच में ये संधि हुई है, ये व्यापार समझौता हुआ है, वो बहुत पारदर्शी है और देश के हित में है। जो कांग्रेस 10 वर्षों तक निर्णय नहीं ले पाई और हमारी फौज के पास फाइटर जेट्स नहीं थे, वो मोदी सरकार ने करके काम किया है। और राहुल गांधी जी की पोल तो इतनी खुली है कि फ्रांस के राष्ट्रपति ने स्वयं एक पत्रकार को उत्तर देते हुए कहा कि भारत और फ्रांस दोनों ही अपना रेट जग जाहिर नहीं कर सकते, क्योंकि इससे अटैचमेंट क्या होगी, साथ में कौन कौन सी मिसाइल, कौन कौन से हथियार लगे होंगे, उसका दुनिया को पता चल सकता है, आपके दुश्मनों को पता चल सकता है। और बेसिक एयरक्राफ्ट का प्राइस जो है वो तो वही है जो पहले था और वो जग जाहिर है। बात है उसके साथ अटैचमेंट्स क्या है, उसको दुनिया को नहीं बताया जा सकता। अगर राहुल जी देश के हितों की चर्चा चिंता करते होते तो शायद ऐसी बात कभी नहीं करते। वहीं कांग्रेस के द्वारा एचपीसी के मामले पर प्रदेश सरकार पर दबाव बनाने और डिनर डिप्लोमेसी करने के आरोपों पर अनुराग ठाकुर ने ठहाका लगाते हुए कहा कि पहले तो कांग्रेस अपने 5 साल के दौरान खेलों को खत्म करने के काम में सफल नहीं हो पाई, लेकिन उल्टा जिन्होंने खेल गतिविधियों को बढ़ावा दिया उन पर बनाए झूठे केसों पर बयानबाजी करके जनता को गुमराह कर रही है। कांग्रेस सत्ता में 5 साल रही, अब भी रही और इससे पहले भी 5 साल रही, ये मुकदमे तब से वो कर रही है और केवल हिमाचल में खेलों को खत्म करने का काम कांग्रेस कर रही है। उसमें वो सफल तब नहीं हो पाए, अब विपक्ष में आकर करने का प्रयास कर रही है। कांग्रेस के राज में नशे का व्यापार बढ़ा, हमारी सरकार में खेलकूद की गतिविधियां बढ़ी हैं। कांग्रेस बताए कि हम नशा बढ़ाएं उनकी तरह कि खेल की गतिविधियां बढ़ाएं। सर, नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बिल जो हमने कल पास किया है, 524 करोड़ रुपए की यूनिवर्सिटी मेघालय मणिपुर में बनेगी और इस मणिपुर में यूनिवर्सिटी आने से पूर्व नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में एक बहुत बड़ा जो टैलेंट ग्रुप है उसको भी लाभ मिलेगा और पूरे देश भर के लिए स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, स्पोर्ट्स एकेडमिक और इसके साथ बाकी जो स्पोर्ट्स टीचिंग की क्लासेज हैं उनको भी अवसर मिलेगा। देश भर के सेंटर्स को उसके साथ जोड़ा जाएगा। ऑस्ट्रेलिया की कैनबरा यूनिवर्सिटी के साथ इसको जोड़ा गया है और मुझे पूर्ण विश्वास है एक नई क्रांति ये देश में लाएगी, जिससे हमारे बहुत सारे खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने का अवसर मिलेगा, कोचेस ट्रेनिंग ले पाएंगे और स्पोर्ट्स मैनेजमेंट के क्षेत्र में जो लोग काम करना चाहते हैं उनको भी इससे बल मिलेगा। परसों कांग्रेस और विपक्षी दल इकट्ठे होकर कहने लगे ईवीएम पे चुनाव मत कराओ, पर्चियों वाले चुनाव कराओ, पर्चियों वाले चुनाव करवाओ। जब इनकी पंजाब में सरकार बनी थी तब भी ईवीएम थी,
अब जब इनको मात्र 78 सीटें कर्नाटक में आई और छोटा दल बन गई कांग्रेस पार्टी, वहां भी ईवीएम थी। 2019 के लिए बहाना कांग्रेस ने अब ढूंढना शुरू कर दिया है कि किस तरह से 2019 की हार से पहले ईवीएम पर ठीकरा फोड़ा जाए, इसलिए आज से ईवीएम का नारा लगाना शुरू कर दिया। ना इनके साथ पिछड़ा खड़ा रहा, ना इनके साथ अनुसूचित जाति वर्ग खड़ा रहा, ना इनके साथ व्यापारी वर्ग खड़ा रहा। जिसको कहते थे जीएसटी की मार लगेगी, 9 महीने के अंदर व्यापारियों ने कहना शुरू कर दिया इससे बड़ी रिफॉर्म दुनिया में कोई नहीं आई, कोई लाया है तो नरेंद्र मोदी लेकर आया है।